नमस्कार दोस्तों, ड्रीम डीटीएच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स को लेकर ही बात करने वाले और खासकर आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स किस तरीके से देखने को मिलता है, इसका रिमोट कंट्रोल किस तरीके से देखने को मिलता है, रिमोट कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, सेट टॉप बॉक्स में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसके पीछे क्या क्या पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, बाकी इसका यूजर इंटरफेस किस तरीके से है, मेन्यू किस तरीके से देखने को मिलता है, यूजर गाइड, तो हर एक जो इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसकी आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं डिटेल्स में कि ये सेट टॉप बॉक्स किस तरीके से देखने को मिल रहा है, बाकी इसके यूजर इंटरफेस किस तरीके से है, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस बॉक्स के पहले फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और इसके रिमोट कंट्रोल का एक लुक आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, टाटा स्काई बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। टाटा स्काई बिंज प्लस की जो ब्रांडिंग है वो सामने देखने को मिल जाएगी, साइड में आपको एंड्रॉयड की और 4K की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। इस साइड की बात करें तो आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया है, ताकि आप जो है अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। बाकी बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, और यहाँ पर जो आपको सैटेलाइट या डिश एंटीने की जो वायर है वो यहाँ पर आएगी, तो उसका एक पोर्ट मिल जाता है। 3 आपको ए वी पोर्ट्स मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो के, ऑप्टिकल को आपको मिल जाएगा HDMI दिया गया है, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, इंटरनेट पोर्ट मिल जाता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, या फिर आपको DC का जो है 12 DC का जो अडेप्टर का पोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ प्रकार से जो है बॉक्स में स्पेसिफिकेशन रहते हैं। बाकी इसके रिमोट के लुक किस प्रकार से रहती है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रिमोट जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। नीचे जो है टाटा स्काई की ब्रांडिंग दी गई है, पीछे भी ब्रांडिंग दी गई, लेकिन जो है इसको मैंने कवर अप कर लिया जिसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं। बाकी कीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है टीवी की आपको मिल जाती है, टीवी को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली पावर की सेट ऑफ बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए मिल जाएगी। बाकी गाइड का ऑप्शन दिया गया है, म्यूट का, इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर जो आपको LED जो है ब्लू रंग की दी गई है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का मिल जाएगा, और यहाँ पर चैनल अप डाउन का मिल जाएगा, यहाँ पर प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो है आपको राइट लेफ्ट अप डाउन कीज़ मिल जाती है, बीच में सेलेक्ट का ऑप्शन यानी ओके का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो आपको बैक ऑप्शन दिया गया गूगल असिस्टेंट का मिल जाएगा, होम का मिल जाएगा, कुछ नंबरिंग कीज़ दी गई है, यहाँ पर AV ऑप्शन दिया गया, और आखिर में स्टार का ऑप्शन दिया गया है। तो इस रिमोट जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सेट टॉप बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर बनाई गई कंपनी की ओर से। बाकी सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन को ले जाता हूँ और दिखा देता हूँ उसका यूजर इंटरफेस जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो चलिए टीवी स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम टाटा स्काई जो है वो ओपन कर लिया है, बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स का जो यूजर इंटरफेस है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है तो वो चलिए अब देख लेते हैं। तो सिंपली रिमोट से अगर आप सेलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी EPG अवेलेबल हो जाती है। साइड बाय साइड आपको जो है सारे चैनल लोगोज जो है वो अवेलेबल किए गए हैं चैनल नंबर के साथ, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो सके कि आखिर कौन से चैनल पर अभी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। जैसे Star Plus HD है, स्टार प्लस है, तो सभी चैनल्स के जो लोगोज हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पर है। इसी तरह का जो फीचर है आपको एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में भी और डिश मटअप में भी मिलता है, तो इसी तरह से टाटा स्काई ने भी यहाँ पर जो है चैनल के लोगोस को भी दिया है। बाकी आप जो है अप डाउन या फिर राइट लेफ्ट जो एरोस दिए गए हैं उसके इस्तेमाल से यहाँ पर EPG भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ बिग मैजिक पर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी जो EPG है वो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। पास्ट फ्यूचर के लिए जो है आपको राइट लेफ्ट जो है वो एरोस का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा आप जान भी सकते हैं कि इस टाइम आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो सिंपली रिमोट से आई बटन प्रेस कर दीजिए उस प्रोग्राम के ऊपर, तो उसकी जो है डिटेल्स आपके सामने पेश कर दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने उस पर आई बटन प्रेस किया, तो उसके बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपली जो है यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, बाकी उसके रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, उस चैनल को फेवरेट्स में डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ फिर सिंपली यहाँ से उस चैनल को लॉक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, बैक कर लेते हैं और यहाँ पर जो है सिंपली रिमोट से होम बटन प्रेस करते हैं, तो होम बटन प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर जो जो आपको कंटेंट देखने को मिलेगा वो यहीं पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए फेवरेट्स की जो लिस्ट है जो मैंने तैयार की है म्यूजिक चैनल्स की, तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रही है। बाकी रिकमेंडेड ऐप्स में देखो, ये दोस्तों मिल जाएंगे होम पे। बाकी होम में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, कैचअप TV हो गया, वो सारे जो है आपके वाईफाई कनेक्टेड के साथ अपडेट होते जाएंगे। तो सिंपली आपको अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है, चाहे मोबाइल का हॉटस्पॉट भी कर सकते हैं या फिर ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है वाईफाई का वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे साइड में जो है आपको गाइड का ऑप्शन मिलता है, तो
तो गाइड पर आएंगे तो यहाँ पर सारे चैनल्स की जो गाइड ऑप्शन है वो मिल जाएगी, जैसे कि आपका न्यूज़, स्पोर्ट्स, किड्स, अलग अलग जॉनर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, सब जॉनर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। इसको आप बाद में देख सकते हैं ध्यान से जब भी आप बॉक्स को लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बिंज का ऑप्शन मिलता है, बिंज में जो भी कंटेंट रहेगा आपके हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो या फिर आपका हंगामा प्ले, तो उनके जो कंटेंट रहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जब मर्जी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने बिंज सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इसके अलावा ऊपर जो है आखिर में ऑप्शन जो मिलता है वो है आपका ऐप्स का, तो ऐप्स में यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन रहती हैं इंस्टॉल्ड हैं या रिकमेंडेड हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जो भी मेरे बॉक्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो देखने को मिल रही हैं आपके सामने हैं। बाकी यहाँ पर जो है आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ऊपर जो है आपको सर्च ऑप्शन मिल जाता है, सर्च बार मिल जाता है, सर्च कर सकते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट या कुछ भी गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको सर्च का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा। साइड में जो है आपको नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन आपको कंपनी द्वारा भेजे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैसेज अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा साइड में जो सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है आपको एंड्रॉइड की, जो भी एंड्रॉइड की सेटिंग्स रहती हैं वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। वाईफाई यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट में आपको यूज़र सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यूज़र सेटिंग्स में यहाँ पर आपको पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, कोई भी चैनल ब्लॉक करना चाहते हैं अनब्लॉक करना चाहते हैं, इसके साथ ही यूज़र सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। लैंग्वेज, पिक्चर, बैनर, ऐड चैनल्स का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से, जो है अपने हिसाब से जो है आप उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। बाकी आप बैनर में जाके उसका टाइमिंग सेटिंग्स चेक कर सकते हैं कि कितना बैनर आप जो है आगे चाहते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ऐड चैनल्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लॉक्ड है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स हैं तो सिस्टम सेटिंग्स में जो भी आपके बॉक्स की स्पेसिफिकेशन रहती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी सिग्नल टेस्ट, सिग्नल कितने परसेंट आपको बॉक्स में आ रहे हैं तो उसकी जानकारी मिल जाती है। मास्टर रिसेट का ऑप्शन दिया गया, बॉक्स को रिसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी आईपी स्पीड टेस्ट दिया गया, यानी आपका जो वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट है वो कितनी स्पीड आपको बॉक्स में दे रहा है तो उसकी जानकारी वो यहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों यही कुछ फीचर्स है जो कि सेट टॉप बॉक्स में आप सभी के लिए दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा कोई भी सवाल आपका हो जो जानना चाहते हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।